hello everyone how are you all guys are we live everyone bacha party how are you doing i hope that you're doing super duper amazing yes everyone over here Kaisan ho bacha party are you ready for this amazing 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 chapter that we are going to start from today that is markets Bahut maza aane wala hai bacha party बहुत मजा आने वाला है सारे अपने दोस्तों से बता देना कि भैया लाइव आ चुके हैं और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ये जो चैप्टर है बेटा हल्के में मत लेना ठीक है अदरवाइज इंस्टीट्यूट तुमको हल्के में लेगी मैं बता रहा हूं यहां पर बच्चा खून के आंसू रोता है खून के आंसू ठीक है लेकिन मेरा स्टूडेंट रोता नहीं है मेरा स्टूडेंट मार्केट्स को ऐसा मतलब गले लगाता है मेरा स्टूडेंट मार्केट चैप्टर को गले लगाता है लेकिन आपको बोल रहा हूं हल्के में मत लियो इस चैप्टर को बहुत अमेजिंग चैप्टर है वंडरफुल चैप्टर है यू विल लव दिस चैप्टर वंस यू गेट द टेक्निक वंस यू गेट द लॉजिक यू आर गोइंग टू क्रैक इट एनी हाउ एनी हाउ ठीक है यस सो गाइज गर्ल्स आर दैर आर यू रेडी एवरी वन जल्दी से लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी से बचा पार्टी अटेंडेंस लगा दीजिए तुम लोग अगर कंजूसी करोगे तो मैं भी कंजूसी करूंगा पढ़ाने में मैं पहले बता रहा हूं आपको मैं बिल्कुल भी कोई भी कंजूसी करता हूं कभी नहीं करता हूं आप लोग कहा कर रहे हो आप लोग कहा कर रहे हो ठीक है इंस्टीट्यूट को बता देंगे हम लोग ठीक है सर मैंने आपको बीसी के, के नोट भेजे हैं सर इंस्टा पे आज ठीक है देखता हूँ बेटा क्रिस क्रिस मैं देखता हूं आज ठीक है सर आपके होते हुए कैसे डर बिल्कुल मानसी कोई डर नहीं होगा मेरे होते हुए गुड इवनिंग सर यू आर माई फेवरेट सर एस पी सच्ची 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 बता मैं देखता हूँ हाँ मैं दूसरे टीचर्स के भी लेक्चर देखते रहता हूं कभी कभी बीच बीच में मतलब तुम लोग सेम टू तो सेम डायलॉग कॉपी पेस्ट करते हो ठीक है ये टीचर को बोलते हो सर यू आर माई फेवरेट फिर दूसरे टीचर के पास जाते हो <laughs> चीटिंग करता है तू हाँ ऐसे बच्चे करते हैं कुछ कुछ ठीक है ऐसे कुछ कुछ बच्चे कहते हैं सर <laughs> आप हमारे फेवरेट टीचर हो सर आप हमारे फेवरेट टीचर हो ओके <laughs> <laughs> okay, चलिए कोई बात नहीं Uh, कोई बात नहीं आरु के लिए सर आप फेवरेट हो सर सच्ची में सर सर सच्ची में सर, ओके कोई बात नहीं बेटा, कोई बात बात नहीं 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 बेटा बेटा सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं सारे टीचर्स बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं यह, यहाँ पर बाहुबली टीम के तो बेटा ईच एंड एवरी टीचर इज ऑसम राइट ऑसम सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड बचा पार्टी बहुत मजा आने वाला है मैं आपको थोड़ा सा थोड़ा सा बता देता हूं कि ये चैप्टर में तीन यूनिट्स है चैप्टर नंबर फोर यूनिट नंबर वन चैप्टर नंबर फोर यूनिट नंबर टू चैप्टर नंबर फोर यूनिट नंबर थ्री लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को ऐसे चैप्टर नंबर वन का यूनिट नंबर वन पहले खत्म करूंगा फिर टू खत्म करूंगा फिर थ्री खत्म करूंगा ऐसा नहीं होने वाला है आई हैव माई ओन डिफरेंट सीक्वेंस यू हैव टू ट्रस्ट मी आई विल शो यू वाई एम चेंजिंग द सीक्वेंस इट इज लॉजिकल सीक्वेंस एंड इट विल मेक सेंस फॉर यू ठीक है सो यू हैव टू जस्ट हैव पेशेंस यू हैव टू ट्रस्ट मी यू हैव टू कम डेली टू द क्लास एंड यू आर गोइंग टू बी थ्रू विद दिस चैप्टर गाइज इन द क्लास इट्स सेल्फ

My class, my rules. नहीं बेटा इट इज नॉट अबाउट माई क्लास माई रूल्स इट्स अबाउट द सीक्वेंस इट्स अबाउट द लॉजिकल सीक्वेंस ठीक है सो डोंट वरी अबाउट इट ठीक है मुझे अभी भी कंजूसी दिख रही है सेंचुरी मैं, मैं नहीं, नहीं होती लाइक like सी मैं शुरू नहीं करने वाला ठीक है जाने दो भाई मेरे को नहीं पढ़ाना तुम लोगों को तुम लोग ऐसी कंजूसी करोगे मतलब मैं तुमको पढ़ाने में कोई कंजूसी करता हूं तो वाई आर यू डूइंग दिस वाई आर यू डूइंग लाइक दिस हा चलिए चलिए बच्चा फटी फटाफट से फटाफट से सौ लाइक चाहिए अब मजा आएगा पढ़ाने में, so there, four, हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या होता है मार्केट क्या होता है लेट मी टेल यू गाइज यहां पर आप लोग देख सकते हो ये है एक इंसान नहीं एक सेकेंड बेटा रुक जाओ ब्लैकआउट करते हैं ठीक है थीके? यहां पर यह एक इंसान है ओके वाओ सर क्या अमेजिंग ड्राइंग है आपकी ठीक है यह एक इंसान है बेटा और यहां पर एक इंसान है ओ माई गॉड सर वॉट एन अमेजिंग ड्रॉइंग यू हैविंग राइट अब यह एक हमारा सेलर है ये बहुत ही परेशान है कि मेरे को मेरे गुड्स बेचने हैं मैं कहां पर जाऊँ कहां पर जाऊं यहां पर एक बायर है इसको भी कुछ गुड्स चाहिए लेकिन मैं कहां पर मिलेंगे 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 तो यहां पर एक है बायर बायर एक 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 है seller, एक है buyer, एक है सेलर सेलर इसका नाम क्या है बेटा इसका इसका नाम नाम क्या है इसका नाम है एनिमी कोट्स क्या है एनिमी ए एनिमी कौन है ये एनिमी एनिमेशन लिखता है इसका नाम ठीक है एनिमेस ये है ना तुम्हारा दोस्त एनी एनिमेस करते थे इसका नाम एनिमेस ठीक है और दूसरे का नाम क्या करते हैं एनिमी और दूसरे का नाम करते हैं बचाइए क्या रखते हैं आदि ठीक है आदि आदित्य यादव तो हम दूसरे का नाम करते हैं आदि तो ये आदि रो रहा है ये एनिमेस रो रहा है दोनों की दोनों रो रहे हैं कि यार मेरे पास कितने सारे गुड्स बेचने के लिए मैं कहां पर बेचू कोई नहीं खरीद रहा है इसको आ, 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 रो रहा है ये बायर बायर यहां पर रो रहा है ठीक है हाँ बायर यहाँ पर रो रहा है बायर बोल रहा है मेरे को ये गुड्स खरीदना है लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है कहाँ पर ढूंढू कहाँ पर ढूंढू कहाँ पर ढूंढू कहाँ पर ढूंढू वो भी रो रहा है आ, वो भी ढूंढ रहा है गुड्स को उसको मिल नहीं रहे लेकिन फाइनली 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 यहाँ पर वो दोनों मिल गए और यहाँ पर यहां पर बायर को अपने गुड्स मिल रहे सेलर को ये सेल करने लगा है तो ये जो प्लेस है ये जो प्लेस है इसका नाम है मार्केट्स इसका नाम है मार्केट्स तो इस जगह पे दोनों आ चुके हैं बायर और सेलर यहां पर ये दोनों मिले एंड बोथ वेर हैप्पी बोथ वेर हैप्पी बिकॉज सेलर को मिल गया बायर एंड बायर को मिल गया सेलर और वो एक्सचेंज कर रहे हैं द गुड्स एंड सर्विसेस वो क्या कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है सो so, अब यहां पर देखिएगा ठीक है यहां पर है क्या है वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को ठीक है वो एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को ठीक है सो मार्केट में जाकर एक्सचेंज करेंगे एक्सचेंज करेंगे एक्सचेंज करेंगे किसको एक्सचेंज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज राइट तो यहां पर एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का लेकिन जब ये एक्सचेंज करते हैं बेटा फ्री में करेंगे एक्सचेंज फ्री में करेंगे क्या मजाक है क्या फ्री में हा मजाक कर रहे हो सर कोई फ्री में नहीं होता है बेटा दे विल एक्सचेंज फॉर द कंसिडरेशन कंसिडरेशन मतलब पैसा पैसा ठीक है सो मार्केट क्या है मार्केट एक ऐसी जगह है मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर जहां पर सेलर जहां पर दोनों मिलते हैं और दोनों मिलते हैं एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेस बट फॉर सम मनी फॉर सम मनी राइट सो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुड्स का ही एक्सचेंज होता है क्या आंसर इज नो सर्विसेस का भी होता है यस तो मार्केट में एक्सचेंज होगा ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेस ठीक है यस सो गाइस समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना मार्केट क्या है मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आगे बढ़ सकते हैं लेकिन लेकिन भैया बहुत टाइप के मार्केट होते हैं मार्केट बहुत टाइप के हाँ मार्केट कैसे बहुत टाइप के बहुत टाइप के है बेटा बहुत टाइप के मार्केट है इतना मजा आएगा आज इतना मजा आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप्स के मार्केट है वी कैन क्लासीफाई द मार्केट इन टू मेनी डिफरेंट टाइप्स मेनी 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 एंड योर यू आर सी दैट इन फ्रंट ऑफ यून ओ माई गॉड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू जियोग्रफी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन जोग्राफी में यहां पर चार टाइप फिर वॉल्यूम में दो टाइप फिर टाइम में चार टाइप नेचर में दो टाइप रेगुलेशन में दो टाइप कॉम्पिटिशन में चार और टाइप यहां पर आएंगे तुमको पंद्रह से बीस एमसीक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ तुमको क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट है, है। कम कम ज्यादा से से भी हो सकते हैं बेटा ज्यादा भी हो सकता है पंद्रह से बीस एमसीक्यूज हम लोग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू मी हम लोगों का यूनिक तरीका है इस क्लास में हम लोग आज यहां पर हैं। ये क्लास जब खत्म होगी ये क्लास जब खत्म होगी यहां पर आपको हर एक चीज तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पर होगी ये तुम्हारे डागा टेन का दावा है ठीक है डागा टेन का दावा है जब ये क्लास खत्म होगी तुम्हारे तुम्हारे टिप ऑफ द टंग पे हर एक हर एक चीज हर एक क्या रहेगी टिप ऑफ द टंग रहेगी हाँ सच्ची सर क्या मजाक कर रहे हो अरे सच्ची बेटा सच्ची सच्ची सची ठीक है यस ओके स्क्रीनशॉट लेने दो हरे दीपिका शर्मा डोंट वरी बेटा अभी तक बहुत समय है स्क्रीनशॉट ले लेना मैं बाजू में हो जाऊंगा टेंशन मत लो ठीक है स्क्रीनशॉट लेने दो स्क्रीनशॉट लेने दो स्क्रीनशॉट लेने दो ठीक है सर आपके मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट्स बनाए बहुत ही असम है थैंक यू सो मच बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ लिंक ओपन नहीं हो रही है बेटा लिंक ओपन नहीं हो रही है इंस्टाग्राम पर चले जाओ वहां पर मैं स्टोरी डालते रहता हूँ रोज स्टोरी डालूंगा आज भी स्टोरी डालूंगा वहां पर तुम लोग देख सकते हो एक वहां पर क्या है एक मैंने क्यू कोड भी दिया है और एक लिंक भी दी है सेपरेटली एक दी है सारे फ्री लेक्चर वर्चुअल लाइब्रेरी तुम लोग एक्सेस कर सकते हो सो तो तुम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स के टच में रहो बेटा एवरी यू विल गेट इट ठीक है यस yes. चलिए हाँ अभी कोई भी बातें नहीं करेगा देखो बेटा लाइक अभी भी कम है डेढ़ सौ लाइक होने चाहिए लेकिन कम है फिर मैं कंजूसी कर दूंगा फिर मैं कर ठीक है करो यार फटाफट लाइक करो ठीक है यस हाँ कंज्यूमर बिहेवियर के वहां पे उसमें आएंगे ऐड होंगी बेटा थोड़ा समय दो यार हमको हाँ हमारी टीम काम कर रही है यार यस yes. हाँ चलिए 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 आगे बढ़ते हैं सो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट अकॉर्डिंग टू जोग्राफी मेरे साथ बोलना मेरे साथ बोलोगे लर्न हो जाएगा ठीक है लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट सर लेकिन उसके अंदर का कौन बताएगा मैं बताऊंगा सर आप तो सिर्फ आप तो सिर्फ गाना गा रहे हो सर उसके अंदर का कौन बताएगा मैं बताऊंगा आपको जरा रुकी ठीक है ठीके?

वट इज हैपनिंग हाँ सर उसके अंदर का कौन बताएगा मैं बताऊंगा बोल दिया ना यार एक बार बोल दिया तो बोल दिया ठीक है ना बताओगे पहले तुम लोग फ्लो में तो आओ मेरे साथ ठीक है फ्लो में तो आओ बेटा यस ओके उसके अंदर का सर बताओगे पक्का बताओगे पक्का बताएगी नेचर के हिसाब से ये गाना है बेटा सुर लगाना मेरे साथ नेचर के हिसाब से सुर लगाना है मेरे साथ नेचर के हिसाब से क्या है spot market cash market future market and forward market spot market cash market future market and forward market cash market spot market

नेचर के हिसाब से बोलेंगे ओके हाँ चलिए स्पॉट मार्केट कैश मार्केट फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट कैश मार्केट स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट कॉमन एवरी वन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं यस रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड एंड कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये तो बेटा ये तो बेटा अपने आप में एक दुनिया है ये तो अपने आप में एक दुनिया है मतलब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट मतलब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट को मैं फाइव स्टार देता हूं तो कंपटीशन को और फाइव स्टार ठीक है उसमें से कंपटीशन को सेपरेटली और फाइव स्टार दूंगा और कंपटीशन में अगर मुझे और भी इंपॉर्टेंट देखना है तो मैं परफेक्ट कंपटीशन को और फाइव स्टार और ओलिगोपोली को और फाइव स्टार मतलब उसमें से ये और ये जो है ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो इंस्टीट्यूट के क्रश है मतलब एकदम फेवरेट क्रश है फेवरेट मतलब एकदम फेवरेट ठीक है फॉर एवर एन एवर एंड एवर मतलब बहुत सारी क्रश आएगी बहुत सारी क्रश जाएगी लेकिन ये वाला क्रश हमेशा रहेगा कौन सा ओलिगोपोलियन परफेक्ट जैसे कि नहीं तो तुम्हारे लाइफ में भी होता है बहुत सारी क्रशेस आती है कभी मेरे को वो भी अच्छी लगती है कभी वो भी अच्छी लगती है कभी वो भी कभी वो भी कभी, कभी वो भी लेकिन देर आर सम पीपल समीपल दोफेक्ट एंड एवर एवर एंड एंड ही चाहिए परफेक्ट ओलिगोपोलियम है सॉरी टू से दिस बट आपको वैसे ही समझ में आएगा ठीक है लोगों को वैसा ही समझ में आएगा राइट यस ओके ट्रू लव ट्रू ट्रू लव लव ठीक है true love, क्या बोलते हो ट्रू लव हाँ तो ओलिगोपोलियम परफेक्ट इज ट्रू लव ठीक है यस ओके <laughs> सर बैकलॉग कवर करके आपके लाइव लेक्चर देख रही हो बेटा अभी जो भी बैकलॉग चालू है यहां से ये तो लाइव ही देखने का है बैकलॉग वगैरह बाद में करते रहना लेकिन ये मार्केट तो लाइव ही देखना है कोई भी हालत में ठीक है चलिए अभी अंदर जाकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर कंपटीशन के हिसाब से परफेक्ट मोनोपोली मोनोपोलीस्टिक एंड ओलिगोपोली ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर फोर यूनिट नंबर थ्री में एकदम डिटेल 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 में दिया गया है अपन भी इसको एकदम डिटेल 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 में देखेंगे एवरीथिंग ऑन द टाइप ऑफ द ट अगेन आई एम सेइंग दिस ठीक है यस चलिए सो गाइस 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 आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं कम ऑन एवरीवन आर यू रेडी एवरीवन यस सो लेट्स गेट स्टार्टेड ज्योग्राफी के हिसाब से लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल एंड इंटरनेशनल तो लोकल मजे क्या सर लोकल क्या सर कौन सा मार्केट अरे लोकल तुम्हारे गांव होगा गांव में तुम रहते हो तो तुम्हारे गांव में जो बाजार लगता है लगता है है ना बाजार लगता गांव में एक दिन होता है ना मंडे मार्केट या वेनेसडे मार्केट या सैटरडे मार्केट कुछ तो भी लगता रहेगा राइट तो तुम्हारा लोकल बाजार है तुम्हारे लोकेलिटी में है सर वहां पर कैसे के गुड्स मिलते हैं वहां पर पेरिशेबल गुड्स मिलते हैं सब्जी आलू ले लो कांदा ले लो तो यहां पर क्या होता है पार्टी? गुड्स होते हैं, जिसका लाइफ ज्यादा नहीं होता है या फिर वेरी बल्कि गुड्स रहेंगे जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर नहीं जा सकते हैं तो ये क्या है तुम्हारा लोकल मार्केट इज द हटबार्स हट बजार्स ठीक है पेरिशेबल गुड्स या फिर वेरी बल्कि गुड्स वेरी बल्कि गुड्स ठीक है शनिवार का मार्केट होता है ना शनिवार का मार्केट मंडे मार्केट सोमवार मार्केट सोमवार बाजार मराठी में ऐसा होता है का बाजार है, आज मैं नहीं मैं बाजार मे जाए शनिवार बाजार मध्य जाए ठीक है ठीके? ऐसा बोलते हैं मराठी में राइट right? तो वैसा ही है बेटाइए ये वैसा ही छे, लोकल मार्केट क्या है लोकल एकदम 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 अपना लोकल मार्केट हर गांव में अपना अपना एक लोकल मार्केट होता है हर गांव में लोकल मार्केट होता है हर गांव में लोकल मार्केट होता है ठीक है यस yes. चलिए हां अब देखिए बेटा दूसरा एक्ट होता है रीजनल मार्केट अब रीजनल मार्केट मतलब क्या एडजेशन सिटी एडजेशन स्टेट एडजेशन सिटी एडजेसन स्टेट मतलब मैं पुणे से हूं क्योंकि मैं पुणे से हूं तो मेरा एडजेसन सिटी है मुंबई तो एडजेसन सिटी मतलब दो ये एडजेसन सिटीज के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो इसको अपन कहेंगे रीजनल मार्केट अगर दो कोई एडजेसन स्टेट में ट्रेड हो रहा है महाराष्ट्र एंड गुजरात तो इसको अपन रीजनल मार्केट कहेंगे तो रीजनल मार्केट मतलब मेरा वर्ड याद रखना मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं ना बेटा मेरा हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत कीमती है ठीक है हर एक शब्द बड़ा कीमती है जो मैं वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं उसके गौर कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट मतलब आजू बाजू आजू बाजू ठीक है तो पुणे के बाजू में मुंबई है तो दोनों के बीच में जो हो रहा है वो क्या है आजू बाजू मार्केट मतलब रीजनल मार्केट आजू बाजू स्टेट मतलब रीजनल मार्केट लेकिन उन्होंने बोला पेरिशेबल गुड्स कौन से मार्केट में होंगे सर लोकल मार्केट आजू बाजू के साथ हो रहा है तो कौन सा टाइप का मार्केट है रीजनल मार्केट एडजन सिटीज के बीच में हो रहा है तो कौन सा मार्केट है रीजनल मार्केट रीजनल मार्केट रीजनल मार्केट अब मैं आपको नेशनल मार्केट बताऊंगा फिर में बच्चे बोलेंगे सर so, नेशनल में और रीजनल में क्या फर्क है सर देखो ये कोई तो सवाल कोई तो पूछेगा मेरे को पता है पहले से ही पता है मेरे को नेशनल मार्केट मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री तो मतलब इंडिया की इंडिया में इंडिया की इंडिया में ट्रेड हो रहा है अरे इंडिया के इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है सर ऐसे कैसे सर इंडिया के इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है तो नेशनल मार्केट होगा ना भाई पुणे से मैं दिल्ली में ट्रेड कर रहा हूं तो फिर वो कौन सा है वो नेशनल मार्केट है वो नेशनल मार्केट है ठीक है अरे भैया पुणे से दिल्ली में दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है मैं वहां पे दिल्ली से कुछ गुड्स मंगा रहा हूं और उनको पैसा दे रहा हूं तो वो कौन सा है नेशनल मार्केट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री यस ठीक है ओके महेश बेटा महेश बेटा ध्यान दे बेटा वो सब रिवीजन में कवर हो जाएगा टेंशन मत ले तू अभी पीछे की बातें मत निकाल यहां पर रुक जा कॉस्ट बेटा रिवीजन लेक्चर आने वाला है उसके और बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह आने वाले हैं जो छोटा छोटा पार्ट है ना बेटा मैंने बताया था एक लेक्चर में वो हो जाएगा सब कुछ कवर ध्यान दे अभी यहाँ पर ठीक है हाँ ध्यान दो बेटा अरे बेटा अपना एग्जाम तक ना इतना रिविजन हो जाएगा एक्स्ट्रा रिविजन होगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा होगा हर एक चीज डबल ट्रिपल तीन तीन, तीन चार चार बार होगी तो रुक जाए एक मिनट ठीक है डिस्टर्ब मत कर मेरे को ऐसे डिस्टर्बिंग लोग पसंद नहीं है ठीक है ध्यान दे इतना मस्त चल रहा है मेरे पीछे के लेक्चर देखकर हा भाई मैराथन कितने बार हुआ है रिविजन कितने बार हुआ है ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं ओके सो 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 तो नेशनल मतलब विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री विद इन द टेरिटरी विद इन द टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ओके सो so, बच्चा पूछता है सर रीजनल में और नेशनल में क्या फर्क है सर क्योंकि रीजनल भी तो इंडिया में है नेशनल भी विद इन इंडिया है अरे भैया मैंने वर्ड यूज किया था आजू बाजू आजू बाजू एडज 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 अभी पुणे और दिल्ली आजू बाजू नहीं है ना तो वो तुम्हारा नेशनल है वो तुम्हारा रीजनल हो सकता है क्या नहीं वो रीजनल नहीं हो सकता है रीजनल वाला नेशनल हो सकता है लेकिन नेशनल वाला रीजनल नहीं हो सकता है क्योंकि पुणे एंड दिल्ली आजू बाजू में नहीं है तो तुमको वर्ड पर ध्यान रखना है अगर आजू बाजू है तो adjacent है, एडजेसेंट मतलब रीजनल है लेकिन अगर कंट्री में है लेकिन आजू बाजू नहीं है तो वह नेशनल हो जाएगा तो वह नेशनल हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया यसा तो पाती लोकल समझ में आ गया यस सर रीजनल समझ में आ गया यस सर नेशनल समझ, समझ में आ गया हा सर अब इंटरनेशनल इंटरनेशनल मतलब दो कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज के बीच में सर्विसेज जा रही है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे जैसे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट इस तो क्या, क्या नेपाल से लोग देख रहे हैं बेटा इस क्लास को इंटरनेशनल अपनी क्लास इंटरनेशनल है और मैं यहां का इंटरनेशनल टीचर ठीक है जैसे जयकांत सिकरे होता है ना मैं यहां का जयकांत सिक्र वैसे अपनी क्लास ऑल ओवर इंडिया नहीं बेटा इंडिया के बाहर भी लोग देखते हैं तो अपनी क्लास इंटरनेशनल मार्केट है यस yes, एंड मैं यहां का इंटरनेशनल टीचर डागाट है नाम तो सुना होगा यस ओके बेटा सो यहां पर हम कहना चाहते हैं आपको यहां पर हम आपसे कहना चाहते हैं बच्चा पार्टी जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है जोक्स बेटा समझने तो उसको इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे। जी उसको इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे। उसको इंटरनेशनल ठीक है लाइक कर दो अभी ठीक है दो सो लाइक कर दो फटाफट करो यार इंटरनेशनल टीचर बोला है मैंने इतना तो लाइक मांगता है अपने दो सौ लाइक तो चाहिए अपने कमन एवरी वन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो ये अभी हो गया अरे हाँ सर इस पर एमसीक्यू कैसे आएंगे देखो

आगे बढ़ते हैं ओके नेक्स्ट नेक्स्ट वॉल्यूम के हिसाब से बच्चा पार्टी क्या है वॉल्यूम के हिसाब से यार सर ये हमको पता है लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा होलसेल मार्केट एंड रिटेल मार्केट होलसेल एंड रिटेल इंडिया में इंडिया में अपने लिए सब कुछ होलसेल ही है <laughs> इंडिया में अपने लिए सब कुछ होलसेल है मैं आपको एग्जांपल देता हूं ठीक है तुम लोग पहले मुझे बता दो होलसेल और रिटेल का क्या फर्क है तुम लोग फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ होलसेल मार्केट क्या है रिटेल मार्केट क्या है मुझे पता है कि सबको पता है होलसेल एंड रिटेल का मतलब लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल देने वाला हूं ठीक है यस बताइए सर आपकी क्लास हम रात को दो, दो एम भी देखते हैं बिकॉज फुल फन नॉलेज डागा बाबा की जय मेरी फैमिली भी आपसे ही क्लास लेने के प्रेफर करते हैं वेरी गुड बेटा विकास थैंक यू सो मच होलसेल मार्केट में बल्क बिल्कुल सही बेटा होलसेल हुल, मार्केट मतलब एकदम बल्क में खरीदते हैं एकदम बल्क में खरीदते हैं ऐसा ठीक है लेकिन रिटेल मार्केट मतलब एक क्वांटिटी दे दो, दो क्वांटिटी दे दो एकदम ऐसा चिल्लर ए वो एक क्वांटिटी दें वो एक क्वांटिटी दें मतलब एक दो एक दो ऐसे लेते हैं ना तो वो रिटेल होता है ठीक है छोटा छोटा क्वांटिटी तोरा तोरा छोटा छोटा क्वांटिटी उसको रिटेल कहते हैं बड़ा बड़ा क्वांटिटी उसको होलसेल कहते हैं लेकिन मैं आपको बताता हूं अपने इंडिया में सब कुछ होलसेल होता है ठीक है तुम कभी ना तुम्हारे मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना ठीक है तुम तुम्हारे मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाना कभी देखना अभी मम्मी क्या करती है मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो मम्मी जाएगी शॉप में फिर मम्मी बोलेगी कि भैया ये ये जो साड़ी है ये कितने की दी तो वो अंकल बोलता है कि ये जो साड़ी है हजार रुपए की ये वाली साड़ी ग्यारह सौ ये वाली साड़ी नाइन हंड्रेड रुपीज तो अपने को समझो एक हजार रुपए की साड़ी पसंद आई ठीक है एक हजार रुपए की अपने को साड़ी पसंद आई तो अभी मम्मी क्या बोलती है इसका लास्ट से लास्ट कितना होगा बोले नहीं हमारा फिक्स्ड प्राइस है एक हजार रुपये नाव मम्मी इज मम्मी इज वेरी स्मार्ट ध्यान देना अभी इंडियन मॉम्स मम्मी ने वो साड़ी का फोटो लेकर अपने फैमिली ग्रुप में डाल दिया कि ये साड़ी बहुत अच्छी है और बहुत ही रीजनेबल लग रहा है मेरे को ठीक है किस किस को चाहिए अभी तीन चार लोगों ने हाँ बोल दिया हमारे ले लिए भी लेना हमारे ले लिए भी लेना हमारे ले लिए भी लेना ठीक है अब मम्मी कहती है ये तो आपने एक साड़ी का रेट बताया हज़ार रुपये मम्मी ने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी फ़ोटो डाल दिया ठीक है मम्मी ने फ्रेंड्स के ग्रुप में भी फोटो डाल दिया मम्मी बोल रही है कि किसको चाहिए फटाफट से बोलो सेल चल रहा है बहुत बड़ा सेल है तो बोला हजार मैडम कुछ कम नहीं होगा अगर पांच सारी लेनी है तो कितना अगर फाइव लेनी है तो कितना अब वो सोच रहा है कि यार ये तो बड़ा कस्टमर लग रहा है पांच सारी एक साथ ले लेंगे तो ठीक है मतलब इसको कुछ कम कर देते हैं तो कहता है मैडम नाइन हंड्रेड रुपीज होगा फाइव साड़ीज का फिर मम्मी थोड़ी एक्टिंग कर रही है अभी ठीक है मम्मी इज नाउ इन द एक्टिंग मोड ठीक है लेना नहीं लेना एंड देन कंफ्यूजन थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं ठीक है फिर मम्मी ने ब्रह्मास्त्र निकाला बाद में मम्मी ने कहा अगर दस साड़ी लेनी होगी तो कितना पहले पांच फिर दस ठीक है पहले पांच फिर दस फिर बोलता है, नहीं मैडम नाइन हंड्रेड होगा वो वाली साड़ी सेम टू सेम बाजू के दुकान में भी मिल रही है आई कैन टेक इट फ्रॉम देम लेकिन बिकॉज आई एम ऑलवेज टेकिंग फ्रॉम दिस शॉप इसलिए भैया बराबर से बता दो बराबर से बता दो कितना होगा ओ भाई खतरनाक 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 तो उसने बोला कि मैडम 750 आपके लिए 750 कर देंगे लेकिन 10 सारीज लेने पर मम्मी ने क्या बोला 750 पर आ गया बेटा अभी वो 750 पर आ गया है, मम्मी ने बोला अभी एक साड़ी पैक कर दो बाकी नाइन बाद में लेकर जाएंगे वो शॉपकीपर रो रहा है वहां पर सिटिंग इन द कॉर्नर एंड क्राइंग मैडम ये क्या कर रहे हैं आप एक साड़ी लेने के लिए आपने पहले दस साड़ी बोला मम्मी बोले लेकर जाएंगे ना लेकर जाएंगे हमेशा यहीं से शॉपिंग करते हैं यार अभी से एक लेकर जा लेंगे लेकिन मैं कल परसों वहां से पूरा नाइन क्वांटिटी और लेकर जाएंगे हे भगवान हे भगवान मतलब रिटेल क्वांटिटी में तुमने होलसेल का भाव कर लिया ऐसे कैसे चलेगा मम्मी ऐसे कैसे चलेगा ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा आंटी एक साड़ी लेनी है तो हजार रुपये तो रुपए की होगी फिर मम्मी बोलती मतलब तुम लोग का सेवन फिफ्टी में भी तुम लोग को प्रॉफिट हो रहा है ना इतना भरोसा नहीं क्या हम लोग लेकर जाएंगे यार तो बचा पार्टी हम आपसे कहना चाहते हैं हम आपसे कहना चाहते हैं होलसेल मार्केट मतलब बल्क में खरीदना रिटेल मतलब तोरा तोरा खरीदना तोड़ा तोड़ा खरीदना ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया होलसेल मार्केट क्या होता है रिटेल मार्केट क्या होता है तो बल्क में जो होगा होलसेल और छोटी क्वांटिटी में होगा वो रिटेल सल्यूट टू द इंडियन मॉम्स ओवर देयर गाइज जो भी रिकॉर्डेड भी देखेंगे ना बाद में तुम लोग भी अपनी कहानियां बताना कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है क्या तुमने ऐसा देखा है कभी मम्मी को बार्गेन करते हुए अगर हाँ तो बोलिए बटा पार्टी लाइव चैट में हम सुनना चाहते हैं क्या तुमने ऐसे देखा है मम्मी को बार्गेनिंग करते हुए हमने देखा है ठीक है यस चलिए जो बोलिए फटा पार्टी फटाफट फट्ट से ऐसे करती है ना मम्मी मम्मी लोग करते हैं ऐसे बेटा मेरे को पता है इंडियन वॉम्सर अमेजिंग बेटा यू शुड लर्न इकोनॉमिक्स इंडियन दे आर सो गुड एट दैट मतलब तुम लोग इंडियन के साथ शॉपिंग करने जाते जाओ कभी कभी तुमको रियल इकोनॉमिक्स पता चलेगा मैं तो पढ़ाता ही हूं रियल एग्जाम्पल्स भी देता हूं तुमको महसूस होगा इकोनॉमिक्स क्या होता है जब तुम उनके साथ जाओगे तो महसूस होगा तुमको ठीक है यस यस ओके ओके बेटा दे आर अमेजिंग दे आर जस्ट अमीजिंग राइट हाँ सर बहुत बार होता है कशिश के लिए बहुत बार होता है ठीक है यस सर सर मेरी मम्मी ने 1500 की जैकेट 300 में ले ली हे hey, भगवान बिलाल खान तू ज्यादा बोल रहा है बेटा नहीं <laughs> ये ज्यादा बोल दिया तूने <laughs> मम्मी के साथ साथ में भी मम्मी अभी साथ में है मम्मी को पूछना मम्मी ऐसा करते हो क्या नहीं करते हो ऑल द इंडियन मॉम सल्यूट इंडियन मॉम्स जो भी अभी देख रहे हैं यू आर आर अमेजिंग 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 इंडियन मॉम्स एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ठीक है यस मैं बहुत बार गया हूँ बेटा बचपन में मेरे मम्मी के साथ शॉपिंग करने बहुत बार गया हूं मैं और ऐसा मैंने देखा है ऐसे होता है और, और एक और टेक्निक बताता हूँ बेटा इंडियन मॉम्स की एक और टेक्निक बताता हूँ मैं बहुत ही जबरदस्त है ठीक है मतलब उनको एक पहली दुकान से कुछ चीज पसंद आ गई है लेकिन अभी उनको दूसरी तीसरी फोर्थ फिफ्थ दुकान भी देखनी है तो उनको अभी नई बोलना है तो वह नई कितने अमेजिंग तरीके से बोलते मैं बताता हूँ आपको भैया एक काम करना ऐसी कोई साड़ी बताना जिसमें ये वाली साड़ी का कलर है ये वाली साड़ी का डिज़ाइन है और कपड़ा ऐसी साड़ी का होना चाहिए अरे भाई क्या क्या क्या, क्या दिमाग पाया है भाई इन लोगों ने क्या दिमाग पाया है कि भैया ऐसी कोई साड़ी बताना कि ये कलर इसका कपड़ा इसका और डिजाइन ये वाली साड़ी की है दुकानदार बोलता है माता जी हमें माफ कर दीजिए ऐसी कोई साड़ी नहीं है मम्मी यही चाहती थी हमें तो दूसरी दुकान में फिर से देखना है हमें तो और दुकान में देखना है यार शॉपिंग मतलब एक ही दुकान में आकर शॉपिंग कर दी तो उसको शॉपिंग थोड़ी ना कहते हैं जब तीन चार पाँच छह दुकानें देखेंगे और फिर बाद में कुछ खरीदते उसको शॉपिंग कहते हैं भले ही वो पहली दुकान में आएंगी फिर से वही चीज खरीदेगी लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता है ना तीन चार दुकान घूमने का दैट इज नेक्स्ट लेवल वो मजा आता है ठीक है अंदर से जैसी खुशी होती है ठीक है अंदर से जैसी खुशी होती है ठीक है यस अगेन मम्मी रॉक्स अगेन मम्मी रॉक्स शॉपकीपर शॉक शॉपकीपर शॉक्स मम्मी रॉक्स ठीक है यस सर आम शॉप है मैं एक्सपीरियंस है अच्छा तुम शॉप है आदित्य तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना आई नो दैट आई नो दैट बेटा ठीक है आई नो द ओके ग्रेट अमेजिंग 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 आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी तो होलसेल एंड रिटेल समझ में आ आ गई गई भी गई हो समझ में आ गई अब मैं चलता हूं आगे, आगे, आगे ये कर देते हैं जोग्राफी हो गया वॉल्यूम हो गया नेचर करते हैं बेटा अभी नेचर स्पॉट मार्केट मतलब क्या स्पॉट मार्केट मतलब क्या मैंने अभी गुड्स लिया पैसा दिया पैसा दिया गुड्स लिया पैसा दिया गुड्स लिया पैसा दिया गुड्स लिया पैसा दिया गुड्स लिया मतलब अभी के अभी अभी के, अभी के मैं गुड़ ले रहा हूं और अभी के अभी मैं पैसा दे रहा हूं ऑन कैश दिया गुड्स लिया ठीक है क्या बोलते हैं इसको गुड्स लो पैसे दो गुड्स लो पैसे दो स्पॉट मार्केट ठीक है तो ये स्पॉट मार्केट है ऑन दी स्पॉट ट्रांजैक्शन खत्म ट्रांजैक्शन खत्म ठीक है ऑन द स्पॉट मैंने गुड्स लिया पैसा दिया गुड्स लिया पैसा दिया इसको कहते हैं हम लोग स्पॉट एंड कैश मार्केट स्पॉट एंड कैश मार्केट ठीक है यस लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे दुकान पर आता हूं और तुमको कहता हूं कि भैया मैं दो महीने बाद आऊंगा और दो महीने के बाद मैं ये गुड्स लेकर जाऊंगा और तीन महीने के बाद मैं पैसा दूंगा मतलब दो महीने के बाद में गुड्स लेकर जाओगा और तीन महीने के बाद में पैसा दूंगा फ्यूचर में यह ट्रांजैक्शन होने वाला है फ्यूचर में ये ट्रांजैक्शन होने वाला है मेरी बुकिंग कर रखो कर मैं दो महीने के बाद आऊंगा तीन महीने के बाद पैसा दूंगा फ्यूचर में ही गुड्स लेने वाला हूँ और फ्यूचर में ही कैश देने वाला हूं इसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड मार्केट या फिर फ्यूचर मार्केट सर इस पर एमसी क्यों आएगा सर इस पर एमसीक्यू आएगा कि कैश मार्केट का दूसरा नाम क्या है स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट का दूसरा नाम क्या है फॉरवर्ड मार्केट अभी अभी गुड्स दिया और पैसा भी दे दिया गुड्स दिया पैसा दिया कौन सा टाइप का मार्केट है स्पॉट मार्केट लेकिन मैं फ्यूचर में ट्रांजेक्शन करने वाला हूँ फ्यूचर में ही पैसा देने वाला हूँ कौन सा टाइप का मार्केट है फ्यूचर मार्केट आई यू गेटिंग इट एवरी सो सिंपल यार इतना आसान है ये इतना आसान है यस 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 एग्रीमेंट टू सेल हाँ एग्रीमेंट टू सेल बिल्कुल सही बेटा बिल्कुल सही फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट फॉरवर्ड मार्केट फ्यूचर मार्केट ठीक है yes. तो मैंने बता दिया आपको हा? मैंने आपको बता दिया है आपकी नोट्स बननी चाहिए आपकी नोट्स कैसे बननी चाहिए बता दो बेटा देखो तुमने लोकल मार्केट के यहां पर बाजू में लिखना है पेरीशेबल गुड्स ठीक है पेरीशेबल गुड्स लिखना है वेरीबेल की गुड्स लिखना है रीजनल के बाजू में लिखना है तुमको एट जे सन सिटी एट जे सन स्टेट ठीक है यस तुमको नेशनल मार्केट के लिखना है विद इन द बाउंड्री ठीक है विद इन द बाउंड्री या विद इन द टेरिटरी ऐसा तुमको लिखना है ठीक है फिर इंटरनेशनल के बीच में विद इन टू कंट्रीज विद इन टू कंट्रीज ठीक है ऐसा लिखने का है ठीक है यस यस सब कुछ एम सी क्यू के लिए आ सकता है सब कुछ एमसी के लिए होल सेल मतलब इन द बल्क क्वांटिटी इन द बल्क क्वांटिटी ठीक है तो बल्क क्वांटिटी में होता है यहां पर सिंगल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी ठीक है सिंगल और स्मॉल क्वांटिटी तो यहां पर ये इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है यस yes. इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है यस yes. इसका दूसरा नाम क्या है इस पर एमसी क्यू आ सकता है इसका दूसरा नाम क्या है इस पर एम सी क्यू आ सकता है देखो बच्चा पार्टी यहां पर हम आपको बता रहे हैं एंड ऑन द स्पॉट यहां पर हुआ तो एम सी क्यू और यहां पर फ्यूचर में ट्रांजेक्शन हुआ तो और एमसीक्यू मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट यू विल गेट इन दिस क्लास कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन द स्पॉट And exam-oriented approach on this spot. Are you getting it, everyone? Yes, yes. aapko आपको ऐसे भी नहीं ऐसे भी सवाल आएगा नेचर के हिसाब से कौन से टाइप का मार्केट है नेचर के हिसाब से कौन से टाइप का मार्केट है तो वो लोग ऑप्शन में देंगे लोकल होलसेल वेरी शॉर्ट पीरियड एंड स्पॉट मार्केट तो आपको बताना है कि नेचर के हिसाब से स्पॉट है समझ रहे हो क्या नेचर के हिसाब से कौन सा टाइप का मार्केट है लोकल है होलसेल है वेरी शॉर्ट है कि स्पॉट कैश है तो आप बताना कि नेचर के हिसाब से स्पॉट एंड है वाओ ऐसा भी आएगा हाँ हा ऐसा भी आएगा चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं सर मैं पीसीएम से हूं क्या मैं सीए की तैयारी कर सकता हूं बेटा तुम पीसीएम के होने दो या तुम ह्यूमैनिटीज के रहने दो या तुम आर्ट्स से रहने दो तुम लोग सीए कर सकते हो डेफिनेटली ये यू कैन डू द ए यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम साइंस से बिलोंग करते हो आर्ट से हो या कॉमर्स से हो लेकिन तुम लोगों ने एक बार अगर सी ले लिया तो फिर डेफिनेटली यू कैन अचीव इट लेकिन फोकस के साथ तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी राइट देर आर सो मेनी एग्जाम्पल कि जो बच्चे साइंस से थे और बाद में वो कॉमर्स में आए और बाद में उन्होंने सीए कंप्लीट भी अच्छे तरीके से कर लिया राइट right? यस सर आई एम फाउंडेशन स्टूडेंट आई गॉट पास्ट बिकॉज ऑफ यू थैंक यू सो मच उदय भाई उदय भाई थैंक यू सो मच सर आप बहुत कूल हो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉरवर्ड मार्केट यस ओके ग्रेट 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 अमेजिंग चलिए आगे बढ़ते हैं तुमको स्क्रीनशॉट लेने का है तो मैं स्क्रीनशॉट लेने देता हूं आपको लेकिन मुझे अभी रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड भी करना है अभी फिर उसके बाद टाइम के पास जाएंगे अपन ठीक है स्क्रीन लेना है बाद में ले लो ना बाद में ले लो ठीक है ना हाँ रेगुलेटेड मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए मैं सारे कंप्लायसेस को फॉलो कर रहा हूं ठीक है अनुशासन प्रतिष्ठा परंपरा सब कुछ मैं एकदम फॉलो कर रहा हूं अच्छे से उसको कहते हैं अपन रेगुलेटेड मार्केट सो कंप्लायसेस को जो फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को जो फॉलो करते हैं ऑर्डिनेंस को जो फॉलो करते हैं लॉ को जो फॉलो करते हैं उसको अपन रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब जहां पर रूल्स रेगुलेशंस इतनी ज्यादा फॉलो नहीं किए जाते हैं जैसे कि इंडिया में अनरेगुलेटेड मार्केट पहले बहुत हुआ करता था कैश में पहले बिजनेस हुआ करता था रजिस्ट्रेशन शायद होते नहीं थे टैक्सेस कोई भरता नहीं था लेकिन जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से तब से बहुत ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट हो रहा है अभी भी अनरेगुलेटेड मार्केट बहुत बड़ा है लेकिन रेगुलेटेड मार्केट हो रहा है स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द रेगुलेटेड मार्केट क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो बेटा करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं हर में. हर मिनट मिनट में में लाखों करोड़ों के होते हैं वो इतना है, इतना ज्यादा ज्यादा रेगुलेटेड रेगुलेटेड है है कि वहां पर कुछ भी अनरेगुलेटेड चलता नहीं है तो आपको एग्जाम्पल में आएगा कि रेगुलेटेड मार्केट का एग्जाम्पल क्या है तो आप लोगों को स्टॉक मार्केट आ सकता है स्टॉक मार्केट इज एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटेड मार्केट राइट यहां पर रूल्स रेगुलेशंस, लॉस को फॉलो किया जाता है और यहां पर अनरेगुलेटेड मतलब ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस, लॉस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं राइट यस, एवरी वन आर यू गेटिंग इट ब्रो? आर यू गेटिंग इट एवरी वन यस सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है बोलो ना यस yes, समझो ना कुछ तो समझो ना चलो फटाफट फड़ से निकाल लो बेटा स्क्रीन शॉट निकाला है निकाल लो स्क्रीन शॉट निकाला है निकाल लो फटाफट फड़ से निकाल लो फटाफट फड़ से निकाल लो ठीक है यस सर यस 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 एक बार एक बार मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे ठीक है एक बार सुर और ताल लगाएंगे हम हाँ ज्योग्राफी के हिसाब से कौन से टाइप के मार्केट है लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ज्योग्राफी के हिसाब से कौन से टाइप के मार्केट है लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट लोकल मार्केट रीजनल मार्केट नेशनल मार्केट इंटरनेशनल मार्केट लोकल में यहां पर पेरिस लोकल में लोकल हाट बाजार लोकल में वेरी बल्कि गुड्स में आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू एडजेसेंट रीजनल में एडजेसेंट रीजनल एडजेसेंट रीजनल एडजेसेंट ठीक है नेशनल में विद इन द बाउंड्री विद इन द टेरेटरी विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री विद इन द दिन ऑफ द कंट्री एंड नेशनल में बिटवीन टू कंट्रीज बिटवीन टू कंट्रीज बिटवीन टू कंट्रीज ठीक है नेचर के हिसाब से मेरे साथ सारे बच्चे सुर और ताल लगाएंगे अरे शर्मा अपने घर पर ही तो हो तुम लोग चिल्लाओ मेरे जैसे जोर जोर से अरे मेरे बाजू वाले भी मेरे बाजू वाले भी कुछ नहीं बोलते हैं अभी उनको भी आदत हो गई है ठीक है वो, वो फ्री में फाउंडेशन पढ़ रहे बेटा वो कहते सर आप बड़ा अमेजिंग पढ़ाते हो पहले हमको इरिटेट होता था कि आप इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो अभी कुछ नहीं लगता सर हम भी एंजॉय करते हैं <laughs> तो तुम लोग भी चिल्लाओ यार अपने ही तो घर पे हो टेंशन मत लो चिल्लाओ मेरे साथ ठीक टेंट स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट कैश मार्केट स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट कमर एवरी वन कैश मार्केट स्पॉट मार्केट फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट कम कम ऑन ऑन कम ऑन गाइज जोरदार टालिया हम सब लोगों के लिए बचा आगे बढ़ते हैं और आप लोग मुझे बताओगे टाइम के हिसाब से टाइम के हिसाब से टाइम के हिसाब से ठीक है yes. <laughs> निशान सरप्लस अखिलेश सर भवंडर आ जाएगा राइट <laughs> निशान सरप्लस अखिलेश सर एक बार हम लोग दोनों क्लास लेकर साथ में गाना आएंगे हाँ टाइम के हिसाब से

सो 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 पर रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड वॉल्यूम के हिसाब से होलसेल रिटेल होलसेल रिटेल होलसेल रिटेल अपने को ये करना है और ये करना है ठीक है अभी टाइम कितना हुआ है बता दो टाइम से हम लोग डिसाइड करेंगे टाइम आज करना है कि नहीं करना है ठीक है टाइम से टाइम से आ, सर नहीं चिल्ला सकते हैं पप्पा जी बाजू में पप्पा जी बाजू में सो रहे हैं अच्छा पप्पा जी बाजू में सो रहे हैं पप्पा को उठाओ ना फिर ठीक है पप्पा भी खुश हो जाएंगे तुम्हारे बोलेंगे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है मैं मेरी नींद को सैक्रीफाइस कर रहा हूँ मेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है आज मैं उसको इतना देख रहा हूँ एंजॉय कर रहा है वो अपनी टीचिंग को ठीक है नहीं बेटा जाने दो सोने दो अदरवाइज पप्पा उठकर बजाएंगे ठीक है सोने दो बेटा मजाक कर रहा हूं मैं कोई बात नहीं अदरवाइज पप्पा उठेंगे और ऐसा बजाएंगे ऐसा बजाएंगे जिंदगी में कभी पड़ता तो है नहीं आज मैं यहाँ पर सोया हु तो तेरे को आज ही चिल्लाना था हाँ नालायक आज ही तेरे को चिल्लाना था ऐसे तो पढ़ता है नहीं कभी ऐसे तो कभी नहीं पड़ता है यस चलिए ग्रेट अमेजिंग अमेजिंग चलिए 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 गाइस आगे बढ़ते हैं mm. So, चार बज के फोर्टी नाइन मिनट्स हुए हैं चार बज के फोर्टी नाइन मिनट हुए हैं यार बेटा एक लाइक कर दो यार कोई दो सो हो जाएगा मतलब ठीक है टू हंड्रेड हो जाना है टू हंड्रेड हो जाना है कर दो यार अपन टाइम भी देख लेते थोड़ा थोड़ा देख लेते दो तो देख ही लेंगे ठीक है दो तो देख ही लेंगे ठीक है यस हाँ सो सौ सो देखिए यहां पर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब क्या होता है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में वी कैनॉट इंक्रीज द सप्लाई मेरा वेरिएबल फैक्टर को भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूं फिक्स फैक्टर को भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूं तो शॉर्ट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में माई सप्लाई ओवर देर इज फिक्सड एमसीक्यू कैसे आएगा सर एमसीक्यू आएगा कि यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई द सप्लाई इज फिक्स्ड इन विच टाइप ऑफ मार्केट यू कैन नॉट इंक्रीज द द सप्लाई सप्लाई इज फिक्स्ड इन विच टाइप ऑफ मार्केट सो यू हैव टू टेल दैट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में मैं सप्लाई को बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो वेरी शॉर्ट है वहां पर मैं वहां पर मैं वेरिएबल फैक्टर्स को भी इंक्रीज नहीं कर सकता हूं और वहां पर मैं फिक्स्ड फैक्टर्स को भी इंक्रीज नहीं कर सकता हूं ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट सप्लाई इज इज फिक्स्ड आई कैन नॉट इंक्रीज माय सप्लाई आई कैन नॉट इंक्रीज माय सप्लाई एट ऑल आई कैन नॉट इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स आई कैन नॉट इंक्रीज द फिक्स्ड फैक्टर्स आई कैन नॉट इंक्रीज एट ऑल तो यहां पर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या है शॉर्ट पीरियड मार्केट में तोरा तोरा क्या शॉर्ट पीरियड मार्केट में तोरा 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 तुम चेंज कर सकते हो मतलब तोरा तोरा मतलब क्या होता है फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो मतलब तुम लोग यू कैन एडजस्ट द सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस इन द वेरिएबल फैक्टर मेरा हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे तो मैं लिखवा कर दे दूंगा आप लोगों को ध्यान दीजिएगा आई कैन चेंज द सप्लाई तो रोरा टू दॉडरेटली फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं करूंगा वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करूंगा चेंज नहीं कर सकता हूं वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकता हूं आई कैन एडजस्ट दिन नोरा नोरा तोरा तोरा नोरा नोरा तो रहा तोरा नोरा नोरा तो रहा तो रहा ठीक है यस लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में यू कैन नॉट चेंज एट ऑल यू कैन नॉट चेंज एट ऑल राइट यस तो बच्चा पार्टी हम आपसे कहना चाहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सप्लाई कैसे होगा परफेक्टली इन इलास्टिक है सर पहले आप कह रहे थे सप्लाई फिक्स अभी आप कुछ तो भलता ही वर्ड यूज किए हैं परफेक्टली इन इलास्टिक हां अरे परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ही है सप्लाई वहां पर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो मतलब परफेक्टली इलास्टिक ना अच्छा रिश्ता वही सोच नहीं सप्लाई एब्सोल्युटली फिक्स्ड मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक बेटा क्वेश्चन सेम होगा लेकिन दूसरी भाषा में पूछा जाएगा रिश्ता वही सोच नहीं सप्लाई इज फिक्सड मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इज फिक्स परफेक्टली इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इज फिक्स परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इज फिक्स वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट वो अमेजिंग यस सर समझ में आ रहा है सर सब कुछ समझ में आ रहा है सर सब कुछ समझ में आ रहा है सर अमेजिंग सर अमेजिंग रिश्ता वही सोच नहीं रिश्ता वही सोच नहीं शॉर्ट पीरियड मार्केट में यू कैन चेंज द सप्लाई लेकिन तोरा तोरा अप टू द वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स सेम रहेंगे। फिक्स फैक्टर्स सेम रहेगा ठीक है यस बचा पार्टी आर यू गेटिंग इट एवरी वन आर यू गेटिंग इट यस तो ये दो अपन कल करेंगे वेट फॉर इट्स

ठीक है इस तरीके से पढ़ेंगे कि सब कुछ एकदम ऑसम 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 पढ़ेंगे ठीक है

महीने का सब्सक्रिप्शन आज है बारह सितंबर बारह सितंबर से तीन महीना ट्वेल्थ महीने भी तुम लोग लेते हो तो भी सिर्फ और सिर्फ नौ हजार दो सौ है नौ हजार दो सौ है जो कि बहुत रीजनेबल है्यारह छह सौ मंथ सब्सक्रिप्शन थाउजेंड आइकॉनिक लेना है तो आइकॉनिक का छ महीने का अठारह हजार आठ सौ

विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द मार्केट और सुबह तो हम लोग मिलेंगे ही दस बजे सुबह अपन दस बजे मिलने वाले हैं बीसी के चैप्टर नंबर वन वहां पर चल रहा है और चार बजे अपन मिलेंगे मार्केट्स के लिए ठीक है धन्यवाद थैंक यू सो मच टाडा टे गाइस एंड यस इफ यू लाइक इट्स डोट फर्गेट टू लाइक इट एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्सर राइट